सरकारी कर्मचारी घोषित करने को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना लगातार जारी है। कार्यकर्तियों का कहना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती होने के साथ साथ अन्य विभागीय कार्यों में भी उनका सहयोग लिया जाता है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें न्यूनतम मानदेय नहीं दिया जाता है। कार्यकर्तियों का कहना है कि सरकार के अनसुनी के चलते उनका धरना अनिश्चितकालीन होता चला जा रहा है। हमारी लड़ाई ये केंद्र सरकार के खिलाफ है। हम बहुत दिनों से अपने उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मांगों के लिए। अपने हमारी मेन मांग ये है कि हम राज्य कर्मचारी सरकारी कर्मचारी घोषित हों, पर हमारी बातों पर सुनाई नहीं हो रही, इसलिए हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हम धरने पर बैठे रहेंगे। ये अनिश्चितकालीन हमारा आंदोलन चलेगा। वहीं धनौल्टी विधानसभा के विकास खंड जौनपुर मुख्यालय थतूर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय थतूर में धरना प्रदर्शन किया गया एवं कहा कि यदि उनकी मांगों को जल्द ही पूरा नहीं किया जाता है तो वे सभी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। हमें चाहिए हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। दूसरी मांग हमारी है कि जो हमारी मिनी वर्कर है वो काम हमारा सबका बराबर है, लेकिन उनको कम मिलता है हमें ज्यादा मिलता है, उसमें बराबर होना चाहिए उनका भी और हमारा भी। और तीसरी हमारी ये है कि जो सुपरवाइजर है वो हमारी बाहर से ली जा रही है, तो जो हम हैं हम क्या करें फिर। अब लगा इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आयु सीमा हटा देनी चाहिए। जो हमारी वर्कर्स है उनको रिटायरमेंट होने वाली है, अब वो ऐसे ही आंगनबाड़ी वर्कर जाएंगी, उनको भी तो आगे का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए हम चाहते हैं कि आयु सीमा इसमें हटा दी जाए ताकि सभी को आगे बढ़ने का मौका मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि न्यूज़।